मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महापौर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरिता राजेश भगत ने यहाँ ज्ञापन दिया है। जनसुनवाई में शिकायत की है कि जो करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो कांग्रेस ने लगाए हैं उसकी जांच की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप खुद सुनिए क्या कहा सरिता भगत ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले में विकास न होते हुए महापौर जी ने 1,66,00,000 रुपए का घोटाला किया है। बुरहानपुर की गरीब जनता का पैसा टैक्स वसूल बुरहानपुर की जनता के हित के लिए नहीं लगाते हुए, विकास नहीं, न रोजगार नहीं, किसी तरह सा नहीं करते हुए एक साल पूरा भ्रमण करा, यात्रा करी, बड़े बड़े टेंट लगाए, बड़े बड़े फिनाइल विनाइल उसमें खर्च करके आज बुरहानपुर का विकास नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आज बुरहानपुर में ना रोजगार है, ना किसी तरह से कोई तरह की, ना 2 साल हो चुके हैं महापौर बनने को माधुरी जी को, इसके बावजूद भी उन्होंने बुरहानपुर की जनता के लिए कोई सोच नहीं, आज तक ना कोई योजनाएं लागू नहीं किए, ना किसी तरह की, ना शिक्षा में, ना किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके लिए हम महिला जिला कांग्रेस मांग करती है कि इस तरह का घोटाला जो है उसकी पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी जाँच हो। सरिता भगत, जिलाध्यक्ष। इस मामले को लेकर सरकार को उतरेगी महिला कांग्रेस आगे चल के इसकी कहीं किसी तरह की जानकारी, किसी तरह का कहीं वो नहीं हुआ तो महिलाएं पूरे अपने चक्का जाम आंदोलन करेगी। सरिता राजेश भगत, जिला कांग्रेस। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।